जम्मू कश्मीर के मतदाता आज 10 साल बाद जमहूरियत का जश्न मना रहे हैं। 18 सितंबर यानी आज केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो रहा है और इस चरण में 24 सीटों पर कुल 2019 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसमें कश्मीर घाटी की 16 सीटों जबकि जम्मू संभाग की 8 सीटों के लिए मतदाता वोट डाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं और पहले दौर में जहाँ मतदान है उनमें अनंतनाग की 7, पुलवामा की 4, किश्तवाड़, कुलगाम और डोडा की 3-3 और रामबन और शोपियां जिले की 2-2 सीटें शामिल हैं। तो आप जानते हैं कि हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की 24 विधानसभा सीटें हैं। इस चरण में 23,27,580 मतदाता मतदान करने के लिए योग्य हैं और इनमें से तो 11,76,462 पुरुष मतदाता हैं, तो 11,51,58 महिला मतदाता और 60 अन्य मतदाता शामिल हैं। पहले दौर में 5.66 लाख युवा मतदान करने के लिए पात्र हैं और इनमें से 18 से 19 साल की आयु वाले 1,23,960 युवा मतदाता हैं और ये पहली बार मतदान करने के लिए पात्र हैं यानी फर्स्ट टाइम वोटर हैं। 18 से 29 साल के आयु के बीच 5 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं और 85 साल से अधिक आयु के 15,774 मतदाता भी भाग लेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों की अगर हम बात करें तो 5 में 2-2 सीटों पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली थी जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल रहा था। वहीं अगर वोट शेयर के लिहाज से आप देखें तो सबसे ज़्यादा 24.36% वोट बीजेपी को मिले थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 22.3% तो कांग्रेस को 19.38% लोगों ने वोट किया था। राज्य की चौथी सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी को 8.48% ही वोट मिले थे। तो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ये विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं लेकिन उनकी बेटी इल्तिजा बिजबिहाड़ा सीट से चुनाव मैदान में है। वहीं एक और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला 2 सीटों गांदरबल और बड़गाम से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके गुलाम नबी आज़ाद अपना दल बना चुके हैं जबकि बीजेपी पहली बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन और पीडीपी के बीच ही बताया जा रहा है। बीजेपी ने जम्मू में जहां सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं वहीं दूसरी ओर कश्मीर में कुछ ही प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में है और इसने जम्मू क्षेत्र में भी ज़्यादातर चेहरे उतारे हैं। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी दोनों क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है और इसके अलावा अन्य छोटे दलों ने भी मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर की सबसे चर्चित सीट तो बिजबिहाड़ा ही शामिल है, इल्तिजा मुफ्ती वहाँ से हैं। अनंतनाग जिले से पड़ने वाली बिजबिहाड़ा सीट जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा यहां से हैं और ये सीट कभी मुफ्ती परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। किश्तवाड़ सीट की बात करें तो ये सीट भी इस बार के चुनाव में काफ़ी चर्चा में है। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी ने यहाँ से आतंकी हमले में अपने पिता और चाचा दोनों को खोने वाली शगुन परिहार को मैदान में उतारा है। शगुन बीजेपी के दिग्गज नेता रहे अनिल परिहार की भतीजी हैं। तो कई बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होना है। जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।